हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने ब्लाउज का नाप लेंगे और अस्तर की कटिंग करेंगे, वो भी बराबर से। तो अस्तर को डबल करके रखना है और ये साड़ी का कपड़ा है, इसको हटा देंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की चेस्ट का नाप लेंगे यहाँ पे। देखिए इसकी जो चेस्ट है, ऐसे करके 18 इंच चेस्ट है, 18 चेस्ट है, और इसकी जो शोल्डर है वो है 10 इंच। अब पीछे की लंबाई, इसकी जो पीछे की लंबाई है वो है 12 इंच। अब पहले हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे 18 इंच पे। अब यहाँ पे लेंगे हम 3 इंच गुंजाइश सिलाई के लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, डबल करेंगे इसको ऐसे। अब ये हमारी लंबाई है 12 इंच, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 13 इंच। 13 इंच हमारी ये लंबाई होगी पीछे की, 12 इंच लंबाई है तो 1 इंच ज़्यादा लेंगे, तो 13 इंच ले लिया। अब यहाँ पे हमें आगे की साइड लेना है 1.5 इंच ज़्यादा। पीछे की लंबाई हमारी यहाँ से है, आगे की 1.5 इंच ज़्यादा ली है। अब हमारे जैसे शोल्डर 10 इंच थे तो हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच, आरोमल लेंगे 6 इंच, चौकुटा निशान, उसके बाद देखिए यहाँ से गोलाई, गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पे 2.5 इंच, गले की लंबाई लेंगे 6 इंच, चौकुटा निशान, उसके बाद यहाँ से गोलाई। अब इसमें से हमें पीछे का पल्लर अलग निकालना है, ये पीछे का है इसको हटा देंगे, और ये हमारा आगे का पल्लर है। अब आगे के पल्लर में हमें पहले तीरे का निशान लगाना है, तो तीरे का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 12 इंच में। अब देखिए 1 इंच यहाँ पे लेंगे ऊपर की साइड, और इसमें हम ऐसे करके शेप का निशान लगा लेंगे। तो पहले हमें तीरे की कटिंग करनी है। अब हम अपना फिटिंग का कपड़ा निकालेंगे, तो यहाँ पे 9 इंच पे हम अपना फिटिंग का कपड़ा निकालेंगे। अब देखिए 9 इंच को हमें 3 भागों में बांटना है, तो 3 इंच तो हम यहाँ पे बगली का तीरा निकालेंगे और 6 इंच की निकालेंगे कटोरी। 3 इंच हमारा बगली का तीरा, 2 इंच रह जाएगा, तो 6 इंच बचा ना, 9 भाग जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है उसको हम 3 भागों, जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है उसको हम 3 भागों में बांट लेंगे। तो 2 भाग की कटोरी बनाएंगे, 1 भाग यहाँ पे तीरे के लिए रखेंगे, तो 3 इंच हम यहाँ पे तीरे के लिए रखेंगे, 6 इंच की कटोरी बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें निशान लगाना है अपना 4.5 इंच में, और इसको देखिए हमें एक अच्छा सा शेप देना है, एकदम ऐसे करके कि कटोरी का जैसा शेप होता है उस तरीके से, एकदम गोलाई में अच्छा, जिससे हमारी कटोरी अच्छी लगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा बगली का तीरा और ये नीचे का तीरा है, 1 इंच हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। और ये हो गई हमारी कटोरी। अब देखिए इतना सारा कपड़ा बचा हुआ है, क्योंकि ये अस्तल था वो 1 मीटर था, तो अब हम यहाँ से कटोरी निकाल लेंगे अपनी। कटोरी को हमें थोड़ा ऐसे तिरछे में रखना है,
यहाँ पे बाजू आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 1 इंच यहाँ पे लेंगे, 1 इंच यहाँ पे, क्योंकि हमें पप के लिए 1-1 इंच लेना है, 1-1 इंच लेना है इस तरीके से, 1 इंच यहाँ पे, और इसको हम कम करते हुए ऐसे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे लेंगे हम 1.5 इंच। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए कटोरी कितनी आसानी से निकल आई, 1 इंच यहाँ पे लिया है, 1 इंच यहाँ पे, ये हमने पप के लिए लिया है, क्योंकि इसको ऐसे करके डबल करके जब हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे तो हमें 2 इंच या 1.5 इंच चाहिए। तो यहाँ पे हम अपनी पसंद का पप बनाएंगे, जैसे कम पप चाहिए तो 1 इंच लेंगे, इसको यहाँ से डबल करके 1 इंच लेंगे, फिर देखेंगे कि इसका पप कितना है। तो हमें छोटा पप चाहिए, जैसे कुछ लोगों को कम पप पसंद है, तो यहाँ पे 1 इंच की प्लेट डाल लेंगे, और अगर ज़्यादा चाहिए तो 1.5 इंच का निशान लगा के डालेंगे। पहले 1 इंच पे स्टिचिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी, फिर 1.5 इंच पे दिखाऊंगी। तो देखिए ये कटोरी निकल आई है, अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारी बाजू की जो लंबाई है वो 4 इंच है, तो हमें कपड़े की लंबाई लेनी है 5 इंच। अब देखिए कपड़े की जो चौड़ाई है वो है 16 इंच और कपड़े की लंबाई है 5 इंच। अब इसको हम ऐसे करके डबल करेंगे। डबल करके यहाँ पे लेंगे हम 3 इंच, कटिंग का निशान लगाना है, और यहाँ पे लेंगे 2 इंच। अब इसको देखिए ऐसे करके लेके जाना है इस तरीके से, और 1/2 इंच यहाँ पे कटिंग कर लेंगे मोरी के लिए। अभी हमारी बाजू की कटिंग हो गई, ये दोनों बाजू हैं। अब हमारा जो साड़ी का कपड़ा है उसके ऊपर इसको रखेंगे। अब देखिए सूती कपड़ा है साड़ी का, तो यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है, इसको हम बाजू बनाएंगे और इसको हमें डबल करके रखना है। लेकिन देखिए इसका जो डिजाइन है वो थोड़ी पत्ती अलग है, तो पहले हम बाजू निकालेंगे, फिर यहाँ पे पीछे का पल्ला रखेंगे, क्योंकि ये पत्ती बनी हुई है, इनको देख के निकालना है। तो कपड़े को पहले हमें डबल करके रखना है। और यहाँ पे हम बाजू रख लेंगे। कपड़े की कटिंग बाद में करेंगे, अस्तल की कटिंग हमारी बराबर है, तो पहले हम इसको जोड़ लेंगे, फिर कटिंग कर लेंगे बाजू की। तो ये बाजू का कपड़ा हो गया। अब यहाँ पे हम पीछे का पल्ला रखेंगे, क्योंकि ये डिजाइन ऐसी है, तो डिजाइन को देखते हुए कटिंग करनी है। अगर हम दूसरी साइड से निकालेंगे तो डिजाइन नहीं आ रही है, उल्टी डिजाइन आ रही है। अब यहाँ पे हम पीछे का पल्ला रखेंगे। और इसका हम गला बड़ा बनाएंगे, लेकिन वो मैं स्टिचिंग में बताऊंगी। अब ये पीछे का,
अब ये हमारी कटोरी। अब यहाँ पे हम अपने बगली का तीरा रख लेंगे। जैसे मैंने कहा, साड़ी का कपड़ा थोड़ा सा हम बड़ा ही काटेंगे, क्योंकि इसको पहले जोड़ेंगे उसके बाद कटिंग करेंगे। अस्तल की हमें अच्छे से कटिंग करनी है, बराबर साड़ी के कपड़े को बड़ा ही काटेंगे, क्योंकि इसे जोड़ना बहुत कठिन है। कपड़ा कटने के बाद फैलता है, तो थोड़ा बड़ा रहेगा तो अच्छे से जुड़ जाएगा। तो ये बगली का तीरा है। अब हमारा नीचे का तीरा निकालना है। अभी हमारा नीचे का तीरा हो गया। ये हो गई हमारी कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग, और इसकी स्टिचिंग मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और वो भी आसान और सरल तरीके से। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।